एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी अपने खेत और वहां पे आज हम कुछ काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं खेत की ओर। बाय बाय जिमी। जब भी हम घर से बाहर कहीं जाते हैं ना, जिमी हमें हमेशा ऐसे ही देखता है और हंसता रहता है। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं और अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए मेरे गांव का रोड बारिश के बाद, और यही हालत है मेरे गांव के रोड की, क्योंकि अभी तक इस पे जो कार्य है वो शुरू नहीं हुआ है, यानी कि काम इसका शुरू नहीं हुआ है और हम भुगत रहे हैं काफ़ी सालों से। बड़ी मुश्किल से लोग माने कि ज़मीनें दे दें, ज़मीनें देने के बाद जब रोड आया तो अब ये लटका हुआ है। 4 साल से ऊपर टाइम हो चुका है कि ये जो है काम लटका हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पास हो चुका है, बस यहाँ तक आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसका जो काम है वो शुरू ही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कल का जो ब्लॉग था मेरा, मैंने उसमें डाला भी था कि मेरी कार फंस गई। तो हम जो है एक कीचड़ में फंस गए थे, एक इतना ख़तरनाक पॉइंट था जहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ था। गाड़ी जो है बीच में फंस गई थी, ना आगे के हम रहे थे और ना ही पीछे के, क्योंकि वो कार ना आगे जा रही थी और ना ही वो पीछे जा रही थी, और वहीं पे हमारे को वैसे ही उसको रखना पड़ा और घर जो है हमारे को वहाँ से पैदल आना पड़ा। 1.5 से 2 किलोमीटर हम कल पैदल आए। यहाँ देखो जगह जगह यही हालत है, यहाँ देखो कितनी मस्त क्रॉस लगी है कि जो टहनी है ना, टहनी देखो कितनी झुक गई है। देखो इस बार तो मजे ही मजे हैं हमारे, तो हमारे गांव में सबकी इतनी अच्छी अच्छी क्रॉस लगी है। ये है अखरोट का पेड़, अखरोट यानी वॉलनट। अभी ये हरे हैं तो टाइम आने पे ये भी पक जाएंगे। नहीं देख रहे हो आप यहाँ पे इस टहनी को ना, यहाँ देखो ये टहनी, इसको यूज करते हैं एज ए ब्रश। यहाँ देखो ये हरे हरे, ये है अखरोट यानी कि वॉलनट। यूं ही हमारे एरिया को ग्रीन वैली नहीं कहते। अब आप भी देखो यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन वैली तभी कहते हैं। सेब के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं। अभी हम पहुंच गए हैं खेत और यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा दूँ, या आप देख लो मेरे पीछे, नज़र आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सुंदर ये लग रहे हैं। ये है सोयाबीन, ये सोयाबीन लगाए हुए हैं। यहाँ से परे को भी, ये वाला जो खेत है छोटा वाला कंसा, यहाँ से परे को मम्मा ने सोयाबीन लगाए हैं। आगे तुलसी भी लगाई, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे चलते चलते। देखिए ये मम्मा ने लगाई हुई है तुलसी। तुलसी का हलवा तो आप सभी ने खाया ही होगा, नहीं खाया होगा तो बता दूं कि तुलसी का बहुत टेस्टी हलवा होता है। और ये आप बीच में देख रहे हो, ये है मक्की यानी कि मेज। यहाँ पे अभी न्यू प्लांटेशन जो है किया है हमने, तो ये छोटे छोटे पेड़ हैं। पहले की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा ये बगीचा यहाँ पे होता था, और एक मेरा फेवरेट पेड़ होता था, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता था और उस पर मैं चढ़ती थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटी थी, बड़े पेड़ में चढ़ नहीं सकती थी और उस पर मैं चढ़ा करती थी, और मेरा फेवरेट पेड़ वो हुआ करता था। तो ये है मेरा बगीचा। यहाँ पे नीचे भी हमने गोभी आलू लगाए हैं, होते हैं यहाँ से आप देख सकते हो नीचे, अभी शायद आपको क्लियर ना दिखे, नीचे वो पत्ते दिख रहे होंगे। वहाँ पे हमने खीरे भी लगाए हैं और यहाँ पे मम्मा ने धान लगाया है। धान यानी कि जो परसों वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना कि लोकल चावल, तो धान लगाया है, लाल चावल उनको बोलते हैं, पहाड़ी चावल। तो ये है मेरा बगीचा, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस काम के लिए आए हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मम्मा है वहाँ पे, अभी घास काट रहे हैं दराटी से, जिसको भी हमें क्लीन करना है। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे, पापा दिखाना, यहाँ देखो ये हमने नर्सरी लगाई है, यहाँ पे मम्मा ने गुड़ाई की है, और क्योंकि बारिश हुई तो ऐसे में जो है गुड़ाई करके ये थोड़े बड़े होंगे, और इसमें हम खाद डालने के लिए आए हैं। वहाँ पे पिंक छोटा सा आप पैकेट देख रहे होंगे, पिंक कलर का पैकेट, उसमें हमने खाद लाई है और ये काम करने के लिए हम अभी आए हैं। वैसे तो हम घूमने आए हैं, तो वैसे हमारा घूमना भी घूमना नहीं होता है, तो घर वालों का ये होता है घूमने जा रहे हैं तो खेत की तरफ जाओ और थोड़ा बहुत जितना भी होता है काम वो करो,
और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊंगी, आप मेरे साथ चलिए। सिड्डू तो आप सभी ने बहुत खाए होंगे, है ना। और ऐसे में जो है एक चीज़ होती है जो सिड्डू में पड़ती है, लोकल हमारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं तांगड़ू। आप देख रहे हो ये वाला पेड़, ये तो ये जो आपने छोटे छोटे से पेड़ देखे ना, ये होते हैं तांगनू। ये ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, जो जब सिड्डू बनाते हैं, चाहे मीठे सिड्डू बनाने हो या फिर नमकीन सिड्डू बनाने हो, उनमें ये पड़ते हैं। और ये छोटे छोटे जैसे तुलसी का दाना होता है ना, उसी तरह के ये होते हैं और बहुत टेस्टी। मैं कभी आपको रेसिपी दिखाऊंगी, एक बार मेरे खेत में ये तांगनू तैयार हो जाए, उसके बाद में सिड्डू इसके जो है बनाऊंगी और आप सभी को बताऊंगी, चक्कर बताऊंगी कि कैसे सिड्डू बने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी होगी सिड्डू को लेकर, वो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी आगे जो है, जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि ये जो है न्यू प्लांटेशन है मेरे खेत में, और ये जो आप देख रहे हो ये वैरायटी है स्कारलेट टू वैरायटी हमने ये लगाई है। अस टू लास्ट ईयर जो है ये हमने ये पेड़ लगाए थे। और यहाँ पे आप देखो बीच बीच में यहाँ पर राजमा, जी हाँ राजमा हमारे बहुत होती है, लोकल राजमा आप सभी ने खाई होगी। तो राजमा भी हमने इसके बीच में लगाई है। लास्ट ईयर हमने यहाँ पर धान लगाया था ताकि जो पौधे हैं वो थोड़े बड़े हो जाए, लेकिन इस साल हमने यहाँ पे राजमा लगाई है। और गांव के थोड़ा सा पास ही ये खेत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है ज़्यादा राजमा लगाई, ताकि हमें थोड़ा दूर भी ना जाना पड़े। और मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे जो है पचेड़ बोलते हैं कोई, या फिर कोई पतरेड़ू बोलते हैं, तो ये आप देख सकते हो वैसे गोभी आलू होते हैं, अरबी जैसी होती है, तो उसी तरह के ये होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसको गोभी आलू कहते हैं और इसके पतरीड़ होते हैं। ये आप देख रहे हो कि आपको लग रहा होगा घास है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ है। ये है कोदा। तो जो है बुज़ुर्ग है उनको काफ़ी अच्छी तरह से पता होगा कि कोदा क्या होता है और क्या इसकी वैल्यू है, कितना हेल्दी ये होता है। क्योंकि अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं तो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे दादा के ज़माने के, या फिर उनके भी दादा, और उस टाइम पे जो है कोदा उगाया करते थे और कई दालें होती थी। तरह से मैंने आपको तुलसी दिखाई, तुलसी होती थी, बिट्टू होता था, कोदा होता था, कावनी होती थी, और इसकी रोटियाँ जो है बनाई जाती थी। और ऐसे में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती थी। मैंने आपको दिखाए और वहां पे आप देख रहे हो वो हमने खीरे लगाए हैं। खीरे आपको अब दिखाते हैं, अभी तो फिलहाल जो है इसमें फूल लगे हैं, अभी ये नहीं लगे हैं, मतलब लगने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो ये देखो हमने खीरे भी लगाए हैं और इसमें फूल देख रहे हो आप, ये येल्लो येल्लो प्यारे प्यारे से फूल, अभी ये फूल आ गए। और यहाँ पे देखो आप ये छोटा सा, इसका मतलब ये है कि ये खीरा है और ये लग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा होगा, उसके बाद जो है खाने के लिए ये तैयार हो जाएगा, अभी इसमें वक्त लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर से आपको दिखा रही थी ना धान, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे जो लोकल चावल है, यानी कि क्या कहते हैं उसे, रेड राइस या फिर ब्राउन राइस हम कह सकते हैं, रेड राइस या फिर ब्राउन राइस, और जो है बहुत महंगे ये लेने को मिलते हैं अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन हमारे अपने ही लोकल चावल है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये आप ग्रीन ग्रीन देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो आपको यहाँ पर ये घास सा नजर आ रहा है ना, घास सा ये आप देख रहे हो। कोई अगर ऐसा होगा जिसको पता नहीं होगा कि धान क्या है, तो उसके लिए तो ये जो है घास ही होगा। तो ये देखो ये घास लग रहा है लेकिन ये है धान। तो फ्रेंड्स ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैं आपको अपने खेत में लेकर आई और मैंने दिखाया कि क्या क्या हमने भले ही थोड़ा थोड़ा सिर्फ अपने लिए ही हमने बीजा है। गोभी आलू की बात करूं, कोदे की बात करूं, तुलसी की बात करूं, या फिर आलू की बात करूं, आलू मैंने आपको दिखाया नहीं, वो थोड़ा नीचे है, और धान भी हमने लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हम अपने खेतों में ही उगाते हैं, और बाहर की अगर मैं बात करूँ मार्केट से सब लेकर आते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है जो कि हमारी हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करती है, लेकिन हम जो
है अपने ही खेतों में कई सारी चीजें उगा सकते हैं, जैसे कि राजमा। जी हाँ, दाल जो है, दाल की अगर हम बात करें तो दाल तो सभी खाते हैं, सब्जियां सभी खाते हैं। इसके अलावा, इन सभी चीजों के अलावा और भी सब्जियां होती है, जैसे कि मटर हो गए, बैंगन, भिंडी या फिर फूल गोभी, बंद गोभी, इस तरह की सब्जियां भी हम अपने ही खेतों में उगाते हैं और जो है बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो ये छोटा सा ब्लॉग था। तो कैसी लगेगी आप सभी को ये वीडियो, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग आप सभी के लिए लेकर आऊं, क्योंकि विलेज लाइफ हमारी ऐसी ही है। चाहे काम की बात करें या फिर खान पान की बात करें, रहने सहने की हम बात करें, तो ऐसी ही हमारी लाइफ है। तो वो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।